हेलो कार भाई सक्षम की वीडियो में आपका एक और बार स्वागत है। आज हमारे सामने खड़ी है 2024 मॉडल मारुति सुजुकी ब्रेजा VXi वेरिएंट। फ्रंट आप गाड़ी का देख सकते हो भाई। VXi वेरिएंट के अंदर ना इस गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स का सेटअप आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। ये चेक कर सकते हैं, काफ़ी शानदार हेडलैम्प्स है भाई। ये चीज़ तो मैं मान गया मारुति की भाई कि अब उसने थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया अपनी गाड़ी को भी इनहेंस, बट क्वालिटी वाइज इनका डब्बा ही है। तो हेलोजन सेटअप देखने मिल जाता है इसके टर्न इंडिकेटर्स के अंदर। यहाँ पर येलो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नीचे की तरफ कुछ भी नहीं देखने मिल रहा फॉग लैम्प्स के अंदर में। ग्रिल कुछ ऐसी आ जाती है, यहाँ पर मारुति का लोगो देखने मिल जाता है। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी आ जाती है, ये चेक करो। एलॉय व्हील्स नहीं आते, व्हील कवर भी नहीं डाले हैं, वो तो डाल देंगे जब कोई लेगा। टायर इंचेस 16 इंचेस के व्हील्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। एकदम पुराने वाले जो नॉर्मल चलते थे ORVM में इंडिकेटर सेम लग रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। डोर हैंडल में क्रोम डाल दिया गया है, तो कुछ भी नहीं आता, सादा आता है बिल्कुल। पीछे से कुछ ऐसी लुक आ जाती है, ये देख लो। पीछे ब्रीजा की बैजिंग देखने मिल रही है, यहाँ से LED DRL का ऑप्शन है। बाकी अभी जला के चेक कर लेंगे कि क्या है। एक बार मैं अनलॉक कर देता हूँ गाड़ी को, एक बार अंदर से अनलॉक करनी पड़ेगी फिर खुलेगी ऊपर। अगर गाड़ी की लाइटिंग में बात करें ना, इस बार आगे से हो या पीछे से बहुत प्यारा काम करा है। यहाँ पर भी आपको हेलोजन जैसा कुछ भी नहीं देखने मिलेगा, DRL टाइप की मिलेगी। रिवर्स लाइट है, इंडिकेटर में ही हेलोजन मिलेगा। ऊपर अगर आप हाई स्टॉप लैम्प देखोगे तो ये चेक करो भाई, कितना शानदार हाई स्टॉप लैम्प यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। एंड वाइट कलर में तो बहुत कहर लग रही गाड़ी। अगर ये टॉप वेरिएंट होता तो क्या लगता है, इससे आप अंदाज लगा लो, ठीक है। तो खोलते हैं गाड़ी को, तो यहाँ से हम अनलॉक कर देते हैं गाड़ी को। एंड अब खोलते हैं बूट, तो बूट कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है। मैं छोड़ नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर पेड़ है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये चेक कर लो, काफ़ी शानदार भाई बूट स्पेस है, अच्छा खासा। मतलब चार लोगों के लिए, अगर घर में चार या पांच लोग हैं ना, उस हिसाब के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है, ठीक है। बंद कर देते हैं, ठीक है भाई। मारुति है, डर लगता है, पेड़ में भिड़ गई थी। तो खोलते हैं बूट, तो खोलते हैं डोर पीछे का। तो यहाँ पर आप चेक कर लो, यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के बटन है, पूरा ब्लैक में डोर है, पावर विंडो के ऑप्शंस। यहाँ पर आपको कुशन देखने मिल जाता है जो कि गंदा हो जाता है 6 महीने के अंदर। इतनी धूल भरती है ना भाई इस कपड़े के अंदर, लोग सोचते हैं अरे भाई प्रीमियम नेस है, भाई कुछ नहीं होता, मैं जानता हूँ। इतनी धूल भर जाती है ना इसमें। पुरानी गाड़ियाँ अगर आप देखोगे ना, उन लोग से पूछना। पीछे यहाँ पर आपको AC वेंट्स देखने मिल रहे हैं जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर अपना आफ्टर मार्केट आमरेस वगैरह आप रखवा सकते हो, उससे क्या होगा लुक और इन्हेंस हो जाएगी और चलाने में भी आपको आराम रहेगा। ऊपर आपको रूफ लैम्प का ऑप्शन है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर दो देखने मिल जाते हैं। पीछे कोई भी आपको आर्मरेस्ट या फिर कफ होल्डर नहीं देखने मिलता, बीच में भी अच्छी खासी स्पेस है, कोई हम्प नहीं है, तो तीन जन आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। नीचे स्पीकर का भी ऑप्शन है, यहाँ पीछे से कुछ आती है कैबिन की लुक ऐसी। तो अभी आगे चलते हैं एंड फिर बात करते हैं। तो पीछे से डोर कुछ ऐसा आ जाता है, यहाँ पर चार पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक के बटन आ जाते हैं। यहाँ ORVM डायरेक्ट बंद कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लॉक अनलॉक यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्विटर का ऑप्शन देखने मिल जाता है, तो बंद कर देते हैं। काफ़ी गर्मी है एंड यहाँ से आ जाता है इसका हैंड ब्रेक केयर, ठीक है। तो अब खोलते हैं, साउंड क्वालिटी चेक करो भाई। ठीक है, तो किसको साउंड क्वालिटी अच्छी लग रही है कमेंट कर देना। इसको भाई म्यूट ही कर देना चाहिए, ये म्यूट हो गया। अब एक बार मैंने रिवर्स कैमरे की बात करता हूँ। रिवर्स कैमरा नहीं आता इसमें, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं इसके AC की कंट्रोल्स, ये चेक कर सकते हो।
काफ़ी बढ़िया इसमें हवा आ रही है, बाकी यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, लो पे था। ठीक है, अगर आप इसके बटन्स की बात करें ना जो इसमें दिए गए हैं, तो इसमें क्वालिटी बहुत बढ़िया लगती है और इसमें लाइटिंग भी है। वैसे मैं दिखाऊँ तो आपको, तो ये चेक कर लो, रेड लाइटिंग यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है, जो कि काफ़ी शानदार लगती है भाई रात के टाइम पर, ठीक है ना। एंड सही है, यहाँ पर भी ऐसे कोई ज़्यादा ऑप्शंस तो है नहीं, हैज़र्ड लैंप्स के ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, यहाँ से हैज़र्ड लैंप्स के ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये चेक कर लो, यहाँ से आ जाता है इसका ग्लव बॉक्स, दोनों तरफ ट्विटर्स हैं, यहाँ पर आ जाता है इसका वैनिटी मिरर, यहाँ पर ड्राइवर साइड आपको देख मिल जाता है सनशेड, IRBM में यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है डे नाइट वाला, जो कि काफ़ी शानदार लुक के साथ आता है। कितनी शानदार इसमें यहाँ से लुक आ जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल देखने मिल जाता है, ORBM यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बंद करना हो तो बंद कर दो, खोलना हो तो खोल दो। ठीक है, तो सही है, बाहर चलने की तैयारी करते हैं, यहाँ से बोनेट खोल सकते हैं, पेट्रोल का खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ी बहुत स्टोरेज है, नीचे USB पोर्ट है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा है, एनालॉग देखने मिलता है बट अच्छा है। ठीक, फोन कुछ ऐसा जाता है, काफ़ी बढ़िया है। तो अभी एक चीज़ करनी है, सबसे पहले तो इसका ये बंद करो AC, इसको डायरेक्ट ऑफ भी कर सकते हैं, इसका लाइट ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो लाइट ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये चेक करो, काफ़ी शानदार फ्रंट है। ठीक है, यहाँ पर पार्किंग लाइट है, यानी ये पीछे से दिखा देता हूँ, ये चेक कर लो, ठीक है, चलते हैं। तो भाई ऐसी कुछ थी, ये थी 2024 मॉडल लेटेस्ट मारुति सुजुकी ब्रीजा VXI वेरिएंट। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।